हेलो दोस्तों, फिर से आपके साथ स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं शिव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं ये एक ट्रॉली वाला पीए सिस्टम। बेसिकली दोस्तों, ये एक मल्टी चीज है, यानी आपके इसके अंदर सारा भर रखा है। आप चाहें तो इसके माइक चला सकते हैं, यूएसबी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, रिमोट भी दे रखा है यूएसबी का, और कार्गो फंक्शन में काफी काम आएगा ये। विद गिटार इनपुट के साथ है, टू वायरलेस माइक और बाकी लाइट वाइट का सब इसके अंदर सिस्टम दे रखा है, और ये बैटरी से भी चलता है। तो इसकी जो ब्रांडिंग है, यानी किस ब्रांड से हमें देखने को मिलता है, तो ये न्यूट्रॉन प्लस ब्रांडिंग की तरफ से देखने को मिलता है। इसका जो मॉडल नंबर आता है वो ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान कर लीजिए इसको, NT808808। तो इस नाम से ये जाना जाता है न्यूट्रॉन प्लस से। और पहले तो हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, क्या है स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे अच्छे से, जैसे हम चेक करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, तो नीचे दिए लाल कलर के बटन को जाके सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग के लिए करता हूं मैं, ओके। सबसे पहले हमें फॉर्म देखने को मिलता है। फॉर्म के ऊपर आप देख सकते हैं दो माइक है कॉर्डलेस वाले, अभी हम रखते हैं उस साइड में थोड़ा सा। फिर आ जाता है हमारा ट्रॉली वाला स्पीकर, और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। सो एक ये पैकेट निकला है, और कुछ नहीं है, पैकिंग ठीक है, अच्छी करी गई है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमें सामान देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिमोट है, पावर पोर्ट है, 3.5 mm जैक का ऑक्स वाला जो ऑप्शन होता है वो देखने को मिल जाता है, और कुछ वारंटीज टाइप की ये इसमें लिख रखा है आई थिंक, और मैं गाइड मैनुअल है ये, तो पढ़ लेना आप अगर आपको ज़रूरत हो। माइक है, ठीक है, माइक की क्वालिटी अच्छी लग रही है, स्विच की क्वालिटी अच्छी है, ओके। और इसका हेड की हम किट देख लेते हैं, कैसी हमें किट देखने को मिलती है। सो किट भी अच्छी है, देखने पे मुझे लग रही है कि किट अच्छी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे बात आती है हमारी ट्रॉली वाले स्पीकर की। सो ये पन्नी से पैकिंग करा हुआ है, और इसको अभी हम निकाल के देखते हैं। भारी सा है, और बिल्ड क्वालिटी का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, और मैं आपको थोड़ा सा नीचे से दिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है ट्रॉली टाइप का, तो आप इसको लाने ले जाने भी काफ़ी इजीली होगा, और इसको आप ऐसे दबा के नीचे कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ये ऊपर ऐसे लॉक हो जाएगा। तो आप ये इसको लेके कुछ इस टाइप से जा सकते हैं। चलते हैं हम इसकी बाकी फीचर्स की बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप फ्रंट में देख सकते हैं न्यूट्रॉन प्लस डायनेमिक ऑडियो सॉल्यूशन, एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है हमें, जो कि एल्युमिनियम की फिनिशिंग से देखा है। ग्रिल देखने को मिल जाती है, इसके अंदर आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है जो कि है 8 इंची का। प्लस की प्लस यहाँ पे आपको ट्यूटर भी देखने को मिलता है। पीछे की साइड यहाँ पे आपको एक एंटेना देखने को मिल जाता है जो कि FM रेडियो में काम आएगा, और यहाँ पे एक छोटी सी हमें LCD पैनल यानी LED पैनल देखने को मिलती है, ऑन ऑफ स्विच, और 12 वोल्ट DC इनपुट भी आप इससे ले सकते हैं। साथ ही साथ चार्जर वाला पॉइंट जो होता है मोटी पिन वाला, तो उससे भी आप इस पर इनपुट चार्जिंग कर सकते हैं। वॉल्यूम हो गया, बेस हो गया, ट्रेबल हो गया, माइक इको हो गया, और माइक ग्राउंड वॉल्यूम हो गया, और ये यहाँ पे आपको जो मेन यानी आपकी जो घर की लाइट होती है 220 या 240 वोल्ट, तो वो यहाँ से आप इनपुट कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर गिटार का ऑप्शन है, यहाँ पे गिटार हमें देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको माइक इन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड, USB ये सब देखने को मिल जाता है। बाकी आपको ये रिमोट अवेलेबल करवा रखा है, अगर आप इसे रिमोट से कंट्रोल करना चाहें इसको, तो वो भी पॉसिबल हमें देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको ऑक्सलीड भी देखने को मिलती है, जिसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, तो ये लॉन्ग लाइफ रहने वाली है। तो तकरीबन आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा 1 मीटर तक आ रहा है, और इसको आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से ये ऑन हो जाता है, तो अभी बैटरी है इसके अंदर, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी चलते हैं हम आगे, और आगे इसको टेस्ट करते हैं। पहले करेंगे हम माइक पे, देन हम यहाँ पे ऑक्सलेट लगा के चलाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पहले टेस्ट करते हैं माइक के साथ। तो माइक के साथ मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पे माइक। आपको बैटरी डालनी होगी, यानी AAA साइज़ वाली जो बैटरीज आती हैं, तो वो आपको यहाँ पे 2 लगानी होगी। तो मैं फ़िलहाल में लगा चुका हूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको पीछे देखने को मिलेगा माइक का ऑप्शन,
यानी माइक वाला जो वॉल्यूम है आपको इसको ऑन करना है। तो ये यहाँ पे आपको माइक का ऑन करने वाला है, तो आप यहाँ पे ऑडियो देख सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे भी शादी वाली आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आप यहीं इसको इको के साथ करेंगे तो आपको ये इको देखने को मिल जाएगा। तो और मेरे को ठीक लगा, तो आपको कैसा लगा वो मेरे लिए मायने रखता है। तो जरूर से पहले नीचे कमेंट बताइए और इसको टेस्ट कर लीजिए। तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, और ये यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। तो ये जो स्विच है ये यहाँ पे आप इसको ऑन करना होगा। मैं इको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपके पास बेहतरीन आवाज पहुँच सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारी पावर पोर्ट। तो पावर पोर्ट आप लगा के इसको चार्ज भी कर सकते हैं, और इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी है, और ये रिमोट के साथ आपको मिलता है, तो रिमोट से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो अभी चलते हैं, इसमें गाना प्ले करते हैं। तो गाने के साथ इसकी कैसी क्वालिटी रहेगी वो मेरे लिए मायने रखेगा, ये आपके लिए भी मायने रखेगा। तो चलते हैं, पहले हम इसके गाना प्ले करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं ऑक्स लीड के साथ। तो मैंने ऑक्स लीड लगा चुका हूँ, पीछे भी आप देख सकते हैं। तो ऑक्स लीड लगा चुके हैं हम, और आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यानी लाइन इन पे इसको लाना होगा। तो यहाँ पे आपको मोड सिलेक्शन दे रखे हैं, तो आप इसे लाइन इन ला सकते हैं। बेसिकली मैंने अभी लाइन इन पे कर चुका हूँ। ये ब्लूटूथ भी है इसके अंदर, तो ब्लूटूथ से भी आपको इसके कनेक्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पे मैं लाइन इन लेके आ चुका हूँ। चलते हैं इसको, और अभी हम प्ले करते हैं एक बार, हम ब्लूटूथ से भी प्ले करके देखेंगे। ये थी 75% वॉल्यूम। बहुत ज्यादा साउंड है और आवाज फट नहीं रही है फुल पे भी। अब चलते हैं ब्लूटूथ की तरफ, तो चलिए ब्लूटूथ चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट कर चुका हूँ इस फोन को, और अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई भी वायर नहीं है पीछे की साइड। तो अभी हम इसे ऐसे ही बजाएंगे यारी बिना वायर के। तो मैं यहाँ से गाना प्ले करता हूँ, और थोड़ा फोन मेरे पास है। तो दोस्तों कैसी लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। और काफ़ी इतने जो इंच है इसका, 8 इंच का स्पीकर है इसमें, ये काफ़ी पावरफुल लगा मुझे। यानी मैं सुनते हुए आता हूँ, काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस हो गया इस गाने पे कि कैसा बजेगा स्पीकर और कैसे बजेगा। तो यहाँ पे ये फुल वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल वॉल्यूम पे भी आवाज़ नहीं फट रही है, चाहे मैं लाइन इन पे बजाऊं चाहे मैं यहाँ पे यूएसबी से बजाऊं। तो दोनों पे मुझे क्लियरिटी दोनों की मिली है, साथ के साथ ये यहाँ पे माइक पे भी मुझे दोनों की क्लियरिटी मिली है। माइक मैं आपको एक बार और दिखा दूँ, तो यहाँ पे आपको माइक पे भी दोनों पे क्वालिटी मेरे को अच्छी मिली है। ओवरऑल अच्छा मिला न्यूट्रॉन प्लस के, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। परचेज़ करने के लिए नियरेस्ट डीलर के पास जाएँ, वहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको नीचे फ़ोन नंबर दे रखा है, फ़ोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए,
कुछ जानकारी चाहिए हो तो और भी प्रोडक्ट हैं उनकी भी जानकारी आप ले सकते हैं, साथ ही साथ परचेज करने के लिए और रेट क्या है, इसका प्राइस क्या है एग्जैक्टली योर लोकेशन पे, तो वो वहीं पे पता लगेगा। बाकी आपको कैसे लगी वीडियो जरूर से नीचे कमेंट बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से एक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों का, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, तो नीचे दे लाल करके बटन को जाके सब्सक्राइब करें। मैं तो अगली वीडियो में, जब तक ले जाए वंदे मातरम।